हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहसिन एक्सप्लेन, जीएसईबी मेड इजी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 9, सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड चैप्टर नेम इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड रिलेटिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नाउ द क्वेश्चन इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं। अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। जो क्वेश्चन बन सकता है वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी इज इनकम्प्लीट, यानी हमारी जो राजनीतिक जो इक्वालिटी है, समानता है, जो अधिकार है, वो बिना सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बेकार है, पूरी अधूरी है। किस तरीके से, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी सुना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि दैट अगर आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा डीप में हम समझते हैं। द पॉलिटिकल इक्वालिटी राइट बाय देमसेल्फ मीन नथिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो वीकर सेक्शन, स्पेशली हम उन सेक्शन की बात करते हैं जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, अगर हम उनके परस्पेक्टिव से देखें, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारी कोई पहचान है, ना हमें कोई जानता नहीं है, तो अगर हमें पॉलिटिक्स में जाना है तो हम उसमें कैसे जाएंगे? क्योंकि कोई हमें जानता नहीं है, ना हमारे पास पैसा है कि हम गरीब दूसरों की भलाई के लिए पैसा खर्चा करें, तो हम कैसे हम ये मान लें कि हमें भी पॉलिटिकल इक्वालिटी है? तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ द वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जो भी संविधान बना रहे थे उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हमारे यहाँ पे गरीब बहुत गरीब हैं और अमीर बहुत अमीर हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, औरतों के साथ में भेदभाव है, एंड द जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, साथ साथ में हमारी जो शेड्यूल ट्राइब्स है और जो ओबीसी है, इन सबसे मिलकर हमारी सोसाइटी बनी है। तो अमीर गरीब आदमी औरत, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब में बहुत भेदभाव है, बहुत डिफरेंसेस हैं। तो अगर इन चीज़ को अगर हम रखेंगे, अगर हमने इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो पॉलिटिकल इक्वालिटी कभी आएगी ही नहीं। यानी हर एक इंसान को हर एक मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। सो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए दे वॉन्टेड टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब ये जो संविधान बनाने वाले, वो चाहते थे कि अमीर और गरीब के बीच में जो ये फासला है, जो ये गैप है, इसको ख़त्म किया जाए। कैसे कम किया जाए? तो सबसे पहले ये भी चीज़ का ध्यान रखा है कि हमें सबसे पहले तो हमें ऐसे काम को बंद करना होगा जो इंसान के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हों। तो हमें ऐसे नियमों को लाना होगा जो अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को ख़त्म कर दें। दे वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश एन इगलेटेरियन सोसाइटी एंड अ वेलफेयर स्टेट। और वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ पर अमीर गरीब बूढ़े बच्चे सभी के पास समान अधिकार हो। एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, सभी को समान अधिकार मिले अपने आप को आगे बढ़ाने का, डेवलप करने का। सो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए द पंडित जवाहरलाल नेहरू है ऑब्जर्व दैट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बहुत ही चीज़ अच्छे से समझा और कहा दैट पॉलिटिकल इक्वालिटी इज इनकम्प्लीट। पॉलिटिकल इक्वालिटी लोगों के बीच में जब तक नहीं आएगी, जब तक उनके बीच में सामाजिक और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी। सो नाउ इन दिस वे आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।